समुंदर कितना खूबसूरत लग रहा है तेज हवाओं के साथ। नौकरी से छुटते ही यहाँ आने के बाद जो शांति मिलती है वो भला और कहाँ मिलेगी। अब ऐसा सुंदर दृश्य छोड़कर मैं भला घर क्यों आऊँ। आज मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। कल हड़ताल है जानता है ना, ऑफिस भी नहीं होगा, इसलिए तो एक काम कर, दो दिन के लिए घर आकर अपनी माँ के साथ रहना। इतना ही नहीं, मुझे तुझे एक जगह पर भी ले जाना है। कहाँ जाना है, कहीं घूमने के लिए? अरे नहीं। तो क्या गाँव जाना है? उससे भी बहुत बढ़िया जगह ले जाना है। तू अपनी कार से मत आना क्योंकि कल हड़ताल जो है। ठीक है, आ जाऊंगा। ट्रेन में, वो भी हड़ताल है इसलिए। अगर ट्रेन से ही जाना है तो मैंने बेकार में ही कार खरीदी है। देखते हैं। अब सुनसान है, गाड़ियां भी नहीं चल रही है, कोई लफड़ा तो नहीं होगा। आज हड़ताल के दिन ही के बच्चे की डिलीवरी होनी थी। क्या कर सकते हैं? हे भगवान। ओहो, दो जने बैठे हुए हैं, कहीं लिफ्ट तो नहीं मांगेंगे? हाथ मत दिखाना, हाथ मत दिखाना, हाथ मत दिखाना। दिखा दिया, हाथ दिखा दिया। बेटे आगे तक हमें छोड़ दोगे? बच्चे को अस्पताल ले जाना है। किस्मत ही खराब है। ठीक है बैठो, चलो जल्दी से बैठ जाओ। दरवाजा जरा धीरे से बंद करना। क्यों बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर अब्बास के घर के पास है। ओहो। बेटे तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ, मेरी दो दो बीवियाँ हैं। दो दो बीवियाँ हैं? हाँ, दिन में पहली वाली और रात में दूसरी। ओहो, इसका मतलब तुम बहुत मेहनती हो। हाँ, अब दो दो शादी करी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं पहले ही जान गया था। हे भगवान, हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे, दिखा दिया। क्या करे, ये जमाना ही ऐसा है, जवानी बस में नहीं रहती है। एक्सक्यूज मी, आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें कहाँ जाना है? बड़े मंदिर की तरफ जाना है। हाँ, हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। आओ बैठो, बाहर क्यों खड़ी हो? ये दोनों के दोनों अगर कहीं उतर जाए तो। अब तो गाड़ी चलाने में मजा आ रहा होगा। हाँ, मजा आ रहा है। आज ये हड़ताल मेरे लिए यादगार बन जानी चाहिए। बस 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 बेटे, यहीं रुक दो। लगता है गॉड ने मेरी सुन ली। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। अच्छा शुक्रिया बेटा, हम चलते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए ना। ठीक है, ओके बाय। बेटे जरा संभाल के जाना, टायर पंचर ना हो जाए।
मैंने सोचा तुम्हारे माता पिता होंगे। वो मेरे कोई नहीं है, जैसे तुम वैसे वो हैं। अब मजे की बात देखिए ना, तुमने सोचा वो मेरे माता पिता होंगे, अब अगर कोई और बैठेगा तो वो सोचेगा कि शायद तुम मेरी पत्नी होगी। किसी को जो भी सोचना है सोचने दो, क्यों? गाड़ी चलाते समय इंसान की विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे घर पे तुम्हारी पत्नी भी तो इंतजार करी होगी। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता ही नहीं है। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना, अब मुझे देखिए, मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा है। आई एम एलन जॉर्ज, प्यार से सारे लोग मुझे एलन बुलाते हैं, तुम भी बुला सकती हो। तो अब चले मिस्टर एलन। सीट एडजस्ट करूं? कहीं परेशानी हो रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी जगह है, थोड़ी सी हवा खा के चलते हैं, ठीक है? Thank you.
बेटे जरा संभाल के जाना, टायर पंचर ना हो जाए। बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ। ओके बाय। मन करे तो फोन कर लेना। बाय बाय। ये क्या बेटे, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, 4-5 साल बाद करूँगा। तुझे मेरे अरमानों की चिंता ही नहीं है। ओहो, मैंने उस लड़की का फोटो देख लिया है, एक बार तू भी चल के देख लेना। तुम मेरी शादी करवा के ही रहोगी? अब ऐसे भी क्या जल्दी है। आइए बैठिए ना। अरे बेटे पियो ना। बेटी से अगर बात करना चाहो तो कर लो। जा बात कर ले। मुझसे मिले एक घंटा भी नहीं हुआ था और ये मेरे साथ में सो गई। न जाने इसने मेरे जैसे और कितने लोगों को अपने हवस का शिकार बनाया होगा।
अब ऐसे में इसे मैं अपनी पत्नी कैसे बनाऊं? हमें मिले एक घंटा भी नहीं हुआ था और इसने गंदा काम किया। अगर इसका कैरेक्टर ही ऐसा है तो कॉलेज में जहाँ काम करता है वहाँ ना जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा। ऐसे में मैं इसे अपना पति कैसे बना सकती हूँ? गाड़ी क्यों रोक दी? माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। कैसी बात? मुझे वो लड़की पसंद नहीं।